बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और मैं आज आपके साथ बहुत ही खूबसूरत सा मेकअप शेयर कर रही हूँ, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। सबसे पहले हमने अपनी मॉडल के फेस पर प्राइमर लगा दिया था, और उसके बाद हम लोग एसटी का यानी स्वीट टच कंपनी का लिक्विड फाउंडेशन जिसका नंबर है 05 वो यूज़ कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि मॉडल की एक आँख की तरफ आपको चोट नज़र आ रही होगी, काफ़ी नीला गहरा निशान था, और मैं उसे भी कवर करूंगी इंशाल्लाह। सबसे पहले मैंने लिक्विड फाउंडेशन लगाया है, यानी वो स्टूडेंट्स या वो गर्ल्स जो चाह रही थी कि लिक्विड फाउंडेशन की ऐसी फिक्सिंग बताएं जो कि ऑयली स्किन पर भी हम अप्लाई कर सकें, तो मैं आज आपको बहुत ही बेहतरीन सी टेक्निक बता रही हूँ, बल्कि पार्लर सीक्रेट बता रही हूँ कि हम लिक्विड फाउंडेशन के साथ ड्राई पैनकेक भी किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके सामने लिक्विड फाउंडेशन मैंने लगा लिया, और उसके बाद मैं स्पंज की मदद से इसको अच्छी तरीके से ब्लेंड कर रही हूँ फेस के ऊपर, ताकि ये फिक्स हो जाए, और पूरे फेस को हमने इससे कवर कर लिया। और इसकी कवरेज आप देखें कितनी ज़्यादा अच्छी है, और ये देखें अच्छी तरीके से हमने इसे कवर कर लिया। इसके बाद मैं आईब्रो को फिलअप कर रही हूँ ब्राउन शेड के साथ। ब्राउन शेड आप कोई भी ब्राउन शेड ले सकती हैं, और कट ब्रश के साथ हम आईब्रोज को सेट करते हैं ताकि हमारी शेप अच्छी बन जाए। और इनकी आईब्रो को देखिए, मैं सेमी आर्च में शेप दे रही हूँ, यानी बिल्कुल डीप आर्च में नहीं दे रही। अब इसके बाद में फेयर कलर की स्टिक लेकर जो है आईब्रो की शेपिंग कर रही हूँ, यानी कि जो आईब्रो की लाइन होती है उसे फिनिशिंग दे रही हूँ, और इसको आईज़ के ऊपर भी लगा रही हूँ। और मैंने कंसीलर यूज़ नहीं किया, मैं स्टिक के साथ कर रही हूँ। कंसीलर भी यूज़ कर सकती थी, लेकिन मैं उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके पास कंसीलर नहीं है उनके लिए जो है मैं आपको स्टिक से लगा के दिखा रही हूँ। और ये लाइन हम इसलिए क्रिएट करते हैं ताकि हमारी आईब्रो एक तो बैलेंस हो जाए, और दूसरा आईब्रो फिनिशिंग से बन जाए। समटाइम ऐसा होता है कि आईब्रो की शेप अलग होती है, या समटाइम ऐसा होता है कुछ लोग आईब्रो की थ्रेडिंग नहीं करवाते हैं, तो उनके लिए भी बहुत आसान तरीका है। इस तरीके से देखिए हमने आईब्रो को फिनिशिंग दे दी है। अब ब्लैक केक लाइनर मैंने लिया है, उसको गीला करके मैं कॉर्नर पे लगा रही हूँ, इस तरीके से उठा कर। ऐसी आँखें जो छोटी होती हैं या बहुत चाइनीज़ लुक पे होती हैं, उन पे इस तरीके से हम मेकअप करते हैं, तो ये टेक्निक मैं आपको कह सकते हैं आप छोटी आँखों पर या फिर बहुत कम खुलने वाली आँखों पर हम दे सकते हैं। इससे हमारी आँखें बड़ी लगती हैं और लुक अच्छा आता है। अब डार्क ब्राउन शेड जो कि मैं कंटूरिंग शेड में से ले रही हूँ, वो लेकर ब्लैक के ऊपर लगाया है, और कॉर्नर पर ही ब्लेंड किया है, उसको अंदर की तरफ लेकर नहीं आई हूँ। ये देखिए इसी तरीके से हमने जो ब्लैक कॉर्नर उठाए थे, जो स्टॉक निकाले थे, उसको ब्राउन शेड के साथ हमने ब्लेंड किया है। अब इसके बाद लाइटर ब्राउन शेड ले रही हूँ, और उसको इनर कॉर्नर पर लगा रही हूँ। और इस तरीके से फिंगर के साथ भी ब्लेंडिंग करती जा रही हूँ ताकि वो एक अच्छे तरीके से सेट हो जाए। अब लाइटर कलर का हाइलाइटर लेके ब्रो बोन के ऊपर लगा रही हूँ, ऑफ वाइट कलर का। हाइलाइटर आप कोई भी यूज़ कर सकती हैं। अब अगेन मैं स्टिक ले रही हूँ, और स्टिक के साथ इस तरीके से जो हमारे लिड एरिया है उसे फिनिशिंग दे रही हूँ,
मैंने आपसे कहा था कि छोटी आँखों के लिए आप इस तरह से कर सकती हैं, इससे आपकी लिड बड़ी लगती है और आपकी आईज़ खूबसूरत दिखाई देती हैं। देखिए इस तरीके से मैं अपनी फिनिशिंग से जो है पूरी लिड को क्रिएट कर रही हूँ, यानी कि जो लिड का एरिया है उसे क्लीन कर रही हूँ। फेयर कलर की स्टिक, यानी मैंने आइवरी स्टिक यूज़ की है। अब कॉपर कलर का आई शेड ले रही हूँ, आई शेड पैलेट में से काशीज़ का आई शेड पैलेट है, और ब्लैक के साथ इसको कॉर्नर पर मर्ज करके लगा रही हूँ। कॉपर कलर का जो है वो शिमरी कलर आई शेड लिया है मैंने। अब ब्लैक केक लाइनर आईज के नीचे स्ट्रेट लाइन दे रही हूँ और थोड़ा सा कॉर्नर पे इसे मोटा करके लगा रही हूँ अरबियन टच देने के लिए। इस तरीके से लाइनर लगाया, स्ट्रेट लाइन दे रहे हैं। अब ड्राई पैनकेक है मेरे पास और उसको पानी में मिक्स करूंगी ड्राई पैनकेक को। इसका नंबर मैंने 45 लिया है ड्राई पैनकेक का, और इसको मैंने जब प्राइमरी बेस जो मैंने बनाया था उसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। ये ऐसी स्किन के लिए है कि जिनके ऊपर स्वेटिंग बहुत होती है या लिक्विड फाउंडेशन लगाने से उनके फेस पे जो बेस है वो स्टे नहीं करता, तो आप इस तरीके से बेस को बना के लगा सकती हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारी बेस देर तक स्टे करती है और बहुत स्मूथ सा लुक आता है। ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से इसको अच्छी तरीके से टैपिंग करके ब्लेंड कर देना है। और प्रॉपर तरीके से ब्लेंडिंग ज़रूरी है, जब तक आप इसकी ब्लेंडिंग अच्छी नहीं करेंगी आपकी बेस स्मूथ और अच्छी नहीं हो सकती। और ये मेरी ओरिजिनल क्लाइंट थी, मतलब ये मेकअप लेने आई थी इस तरीके का, तो मैंने सोचा कि इसकी वीडियो आपके साथ शेयर कर दूँ। अब इसके बाद कॉम्पैक्ट पाउडर लगा दिया है हमने इनके फेस पर, और आप बेस देख सकते हैं कितनी फाइन और स्मूथ लग रही है, बहुत ही अच्छा लुक देती है बेस, और दूसरा बहुत देर तक स्टे करती है, ख़राब नहीं होती है। अब क्रिस्टीन की कॉन्टोरिंग किट से कॉन्टोर कर रही हूँ। पहले नोज़ पे कॉन्टोरिंग करेंगे अकॉर्डिंग टू फेस, जो इनकी नोज़ है उसके मुताबिक हल्की हल्की सी शेडिंग करनी है, बहुत डार्क डार्क कॉन्टोरिंग नहीं करनी है, बहुत अच्छी ब्लेंडेड कॉन्टोरिंग करनी है। उसके बाद चीक्स पर, चीक बोन से जो जॉ लाइन होती है उसकी तरफ हमें आना है, यानी उस पर ब्राउन शेड से हम कॉन्टोर करते हैं ताकि हमारा जो ये वाला एरिया दबा हुआ दिखाई दे। और हेयर लाइन पर और जॉ लाइन पर भी अच्छी तरीके से कॉन्टोर करके इसकी शेडिंग करनी है ब्राउन शेड की। अब इसके बाद पिंक कलर का ब्लश ऑन लगा रही हूँ। मरून कलर का आई शेड लेके लोअर लाइन पर लगा रही हूँ, ब्लैक के साथ मर्ज कर रही हूँ, और हल्का सा सॉकेट लाइन कॉर्नर एरिया पे भी लगा रही हूँ। अब पिंक कलर जो मैंने ब्राउन शेड लगाया था उसके ऊपर वाली लाइन पे पिंक कलर दे रहे हैं ताकि जो ब्राउन की एक शार्पनेस है वो कंट्रोल हो जाए। अब
इसके बाद लैशेस फिक्सिंग कर रहे हैं। लैशेस फिक्सर मेरे पास जो है वो एसटी कंपनी का है, और लैशेस जो नॉर्मल 3D लैशेस होती हैं वही हैं। अब आईज पर सीलर लगा रही हूँ। ये मुझे ग्लिटर फिक्स करना है। ग्लिटर मैंने लिया है सिल्वर और गोल्डन को मिलाकर। पॉलिस्टर ग्लैमर डस्ट यूज़ किया है क्रेलॉन कंपनी का, गोल्डन और सिल्वर मिलाकर। पहले मैंने सीलर अप्लाई किया फिंगर से, और उसके बाद मैं ग्लिटर अप्लाई कर रही हूँ। मैं फिंगर से टैपिंग करना ज़्यादा ज़रूरी मतलब समझती हूँ। लोग ब्रशेस से लगाते हैं ग्लिटर, वो सारा फेस के ऊपर गिर जाता है, तो बेहतर ये है कि आप उसको फिंगर से लगाएं। वो आपके फेस पर गिरेगा भी नहीं और बहुत स्मूथ अच्छा लुक देगा। देखिए किस तरह से जैसे ये लुक दे रहा है, और बहुत ही फाइन ग्लिटर है क्रेलॉन कंपनी का, बहुत ही स्मूथ सा लुक देता है। यानी बहुत मोटा मोटा ग्लिटर नहीं है ये, पॉलिस्टर ग्लैमर डस्ट गोल्डन और सिल्वर मिलाया है मैंने। अब मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ ताकि लैशेस आपस में मिक्स हो जाएं। कुछ लोग लैशेस में मस्कारा पहले भी लगा देते हैं, वो आपकी मर्जी है, लेकिन ज़्यादा बेहतर ये होता है कि आप बाद में मस्कारा लगाएं तो उस तरह लैशेस आपस में फेक लैशेस और रियल लैशेस आपस में मिक्स हो जाती हैं। ब्लैक केक लाइनर, लैशेस की लाइन के ऊपर ब्लैक केक लाइनर लगा रही हूँ। हल्का सा लाइनर को कॉर्नर पे जहाँ पर जहाँ से हमने मोटा किया था उसको हल्का हल्का सा ब्लेंडिंग कर देना है, ताकि वो जो एक शार्पनेस होती है लाइनर की वो नज़र ना आए। और ये देखिए इस तरीके से इसको ब्लेंड करना है। और आईज का जो हमने शेप दिया है वो टेक्निक्स आपको फॉलो करनी है। कलर तो आप कोई भी लगा सकती हैं, लेकिन इस शेप में आईज देने से क्या होता है कि वो आंखें आपकी बड़ी दिखाई देती हैं। ऐसी आंख जिसमें लिड नहीं होती, वो आंख जो कम खुलती है उसके लिए बेस्ट जो है ये टेक्निक होती है आई मेकअप की। आंखों के अंदर वाइट जेल लाइनर लगा रही हूँ क्लाइंट की डिमांड पर। इस पर ब्लैक लाइनर भी अच्छा लगता है, मतलब ब्लैक काजल भी बहुत अच्छा लगता है। और इनर कॉर्नर पर हम ले रहे हैं लाइट गोल्ड कलर हाइलाइटर में से, और गैबरीनी का हाइलाइटर लगा रही हूँ। और मैंने जो इनर कॉर्नर पे दिया है वही वो भी यही शेड दिया है। अब ब्यूटी बोन्स के ऊपर हाइलाइटर अप्लाई कर रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत शेड लगते हैं मुझे इसके। रस्ट कलर की लिपस्टिक ले रही हूँ जिससे लिप को शेप करेंगे। और जिन फ्रेंड्स ने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पे लाइक का बटन दबाना ना भूलें, और मुझे कमेंट्स करके बताएं कि आपको मेकअप कैसा लगा। इसके अलावा मेरा एक और चैनल है व्लॉग्स का, उसको भी सब्सक्राइब करें, और उसमें भी मुझे अपने आपका मतलब साथ चाहिए, और उन वीडियोज़ को भी लाइक करें। अब मैं लिप फिक्सर यूज़ कर रही हूँ, लाइट कलर का है ये, लाइट पीच कलर का लिप फिक्सर है। लोअर लाइन पे मस्कारा आईलैशेस की,
आप चाहें तो लोअर लाइन पर लैशेस भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बहुत हैवी लुक आता है, तो इसलिए देखिए हमारा मेकअप कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा।